एक और लिखते हैं, ये प्रशंसा में है, सर रूब्रिकों की बहुत ही सुंदर व्याख्या करी है आपने। सर रूब्रिकों की तथा उनके मेटाफोरिकल अर्थ की बहुत ही सुंदर व्याख्या करी है आपने। मैं आपसे ऐसी पॉलीक्रेस्ट दवाइयां जो कि दिन प्रतिदिन काम में आती हैं उनकी मूल भावनाओं की व्याख्या करने की प्रार्थना करता हूं। तो ये तो हम कर ही रहे हैं, अब वीडियो बनाना आसान काम नहीं होता है। 1 घंटे का वीडियो बनाने का मतलब है कि कम से कम 100 घंटे बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसको काम करना। तो इसलिए फिर भी मैं काफ़ी मात्रा में वीडियो बना रहा हूँ, तो जितनी कोशिश होती रहेगी तो मैं उनको भी वीडियो बनाऊंगा, ऐसा मेरी इच्छा है। तो आशा है कि इनको मेरी बात से संतुष्टि मिल गई होगी। नमस्कार। ये एक और भाई साहब हैं जो लिखते हैं, सर होम्योपैथी की सेवा में इतना कष्टकारी कठिन प्रयास करने और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जैसे होम्योपैथी के बारे में कम ज्ञान रखने वाले डॉक्टरों तक औषधि चुनाव करने के लिए इस अति विशिष्ट तरीके को पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने वाले दर्शकों को वीडियो देखने के लिए आपको किसी का भी धन्यवाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में हम सभी वीडियो देखने वाले लोग, विशेषकर कि मैं स्वयं आपका ऋणी महसूस करता हूं कि आप अपने इस ज्ञान को हम सब के साथ साझा कर रहे हैं। इस ज्ञान ने निश्चित रूप से ही मेरी मदद करी है। जब आप अपने द्वारा सही किए गए केसों को समझाते हैं तो यह वास्तव में हमारी मदद करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करने वाली बात है, पर किसी को नमस्कार कहना, उसका स्वागत करना या उसके किसी भी बात पे उसको धन्यवाद करना, ये हिंदुस्तानी सभ्यता है, कर्सी है, हम्बल होना है और ये आवश्यक होता है। वरना तो ये वीडियो ऐसे लगेंगे जैसे बहुत ही रूड हो गए हैं। तो ऐसा मैं आभास नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं रूडली किसी से बात करना पसंद नहीं करता हूँ। धन्यवाद।